और आइए इस कवि सम्मेलन के क्रम को शीघ्रता से आगे ले चलो। हमारे दो महत्वपूर्ण कवि इस मंच पर हैं और महत्वपूर्ण इसलिए भी है वो संयोजक की भूमिका में है, प्रिय मुकेश, संदीप और परीक्षित जैसे दोस्त। मुकेश मार्तंड उस कलमकार का नाम होता है जो शहीदों को अपने अंतर मन में जीता है और वो इसकी कविताओं को मंत्र बनाकर इस देश में अनुमोदित करने के उपक्रम में है। गोंडा से लेकर माया नगरी मुंबई के शिवालू टीवी के वाह भाई वाह कार्यक्रम तक जिस लाडले ने इस मिट्टी के गौरव को रूपायित किया है, मैं उसे आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। वे आपकी अतिरिक्त तालियों के हकदार इसलिए भी होते हैं कि आज के कार्यक्रम की आयोजना संयोजना से महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। वे आज के कार्यक्रम के संयोजक है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आए और राष्ट्रीय चेतना के उस प्रकार हस्ताक्षर को इतनी कमजोर नहीं, एक बार पूरा सदन एक एक हाथ खामोश रहे मुकेश के लिए। बहुत मेहनत किया है उन्होंने। आइए मुकेश मार्तंड का आवाज। सरस्वती महाभाग्य विद्ये कमल वृत्या विद्या रूपे विशालाक्ष विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्या बुद्धि ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी राष्ट्रभक्तों की ऊर्जा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और मैंने कभी उन पर कविताएं नहीं लिखी जो सिर्फ अपने वेतन के लिए काम करते हैं। मैंने अपनी कविताएं उन पर लिखी है जो अपने वतन के लिए काम करते हैं। मैं बात शुरू करता हूँ जो है पहली सुरक्षा हमको आठवें आम देते हैं। हमारी शक्ति का दुनिया को जो पैगाम देते हैं, हमारी शक्ति का दुनिया को जो पैगाम देते हैं, ऐसे वीर जाबाजों को मैं सत सत नमन करूं। सांस थमने से पहले जो तिरंगा थम लेते हैं, सांस थमने से पहले जो तिरंगा थाम लेते हैं। और युवा पीढ़ी पर आरोप लगाए जाते हैं कि युवा बच्चन हो गए हैं, मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि जग के सारे कठिन सवालों का जवाब लिख जाएगा, सदियों तक यशगान रहे ऐसी किताब लिख जाएगा। और हमें मिटाने वालों सुन लो, भगत सिंह का ये तेवर जहाँ गिरेगा रक्त हमारा इंकलाब लिख जाएगा। कुशल योद्धा युद्ध भूमि के वीर प्रहर हो जाओगे, माता के चरणों को छू कर विजित समर हो जाओगे। अगर भगत सिंह के कलमों का अंश मात्र नहीं कर पाए, सच मानो इतिहास में प्यारे सदा अमर हो जाओगे। और हम पर आरोप लगे, लोगों ने कहा हम गुलाम रहे हैं, लोगों ने कहा हम काले लोग थे। मैं पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि हम क्या थे, हम क्या हैं। हम अश्वमेघ करने वाले दिग्विजयी वंशों के बेटे, हम अश्वमेघ करने वाले दिग्विजयी वंशों के बेटे। हम अपना धर्म बताने को चलते अंगारों पर लेटे, हमने कुछ वचन निभाने को जीवन भर का संकाश चुना। हमने त्यागा है राज तिलक और वर्षों का वनवास चुना। हम नाग कालिया के फन पर भी नर्तन करने वाले हैं, हम कामदेव के अहंकार का मर्दन करने वाले हैं। हम साधु संतों के सम्मुख हाथों को जोड़ा करते हैं। हम खेल खेल में दुश्मन की गर्दने मरोड़ा करते हैं। हम खेल खेल में दुश्मन की गर्दने मरोड़ा करते हैं। लोगों ने कहा हम गुलाम रहे हैं। जब कुछ मुगल लुटेरे भारत भू को बांट रहे थे, तब हम रण में महाराणा पर मस्तक काट रहे थे। लोगों ने कहा हम गुलाम रहे हैं। जब कुछ मुगल लुटेरे भारत भू को बांट रहे थे, तब हम रण में महाराणा पर मस्तक काट रहे थे। जब कुछ गोरे फूल डालकर मन में झूम रहे थे, तब हम भंकर भगत सिंह फांसी को चूम रहे थे। ना समझौतों से मिलती है ये पंक्तियां अपने साथ लेकर जाइएगा, ना समझौतों से मिलती है, ना षड्यंत्रों से मिलती है। अरे एकमात्र यह सत्य सफलता संघर्षों से मिलती है, अरे एकमात्र यह सत्य सफलता संघर्षों से मिलती है। ये पूरी दुनिया जान रही हम ही इस जग के नेता हैं, हम ही हैं भारत विश्व गुरु और हम ही विश्व विजेता हैं। वही है भारत विश्व गुरु और हम ही विश्व देता है। जिनके नाम लिखे पत्थर भी तैरे, वह लोग सुने जो कहते हैं कि भारत गुलाम रहा। और अगली पद पर आपको गर्व हो तो आपकी आकाशवाणी भाइयां मिले,
कि जिनके नाम लिखे पत्थर भी तैरे उसी कला के हैं, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम बेटे रामलला के। जिस कविता ने मुझे थोड़ा बहुत मान सम्मान दिलाया, तो मैंने वो कविता अध्याय में पढ़ी तो पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी मंच पर आए और उन्होंने कहा कि मैंने इस विषय पर इससे बेहतर कविता नहीं पढ़ी सुनी आज तक। मैं आप सभी के समक्ष उसी कविता की भूमिका में हूँ कि राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा विषय जिस पर कुछ ही लोगों ने लिखा और कभी ही लिखा कि दानवों के अंत और बाप भी विध्वंस है तो धर्म युद्ध में गिरे जो रक्तदान आ गए, इस आंदोलन में कौन किसके काम आया। दानवों के अंत और बाप भी विध्वंस है तो धर्म युद्ध में गिरे जो रक्तदान आ गए, धर्म के बचाव हेतु वक्त जो गवाए गए आज धर्म हेतु वही वक्त काम आ गए। और कौन काम आया, संत जो विरक्त रहे राम जी के भक्त रहे प्रण पे डटे रहे सशक्त काम आ गए, और बार बार भक्त हित काम आए प्रभु राम इस बार प्रभु हित भक्त काम आ गए। इस बार प्रभु हित भक्त काम आ गए। और 6 दिसंबर 1992 का वो दिन गौर दिवस जिस दिन हमारे पूर्वजों ने हमारे पुरखों ने कार सेवा की उस दिन गोलियां भी चली। मैं उसी आंदोलन के रूप में एक कविता आपके मध्य रखता हूँ। कई पिता के तारे टूटे सपनों के बादल के, कई पुत्र बलिदान हुए हैं ममता की आदल के, कुछ बहनों की राखी अपना धर्म निभाकर आई, कुछ सतियों के सतीत्व की पतियों ने राज बचाई, वृद्ध युवा बालक मत पूछो सबने काम किया था, दुष्ट दानों के सम्मुख जय जय श्री राम किया था, कई याद पथराई प्रभु की राहों को तकते तकते, अरे कई प्राण निकले हैं तन से राम राम जपते जपते, कई प्राण निकले हैं तन से राम राम जपते जपते। सनातनी संघर्षों का यह महासमर भीषण था। एक युद्ध भगवान श्री राम के समय रावण से लड़ा गया और एक युद्ध भगवान श्री राम के भक्तों से आदमी कलयुगी रावणों से लड़ा गया। दोनों में क्या अंतर और क्या समानताएं नहीं बताने का प्रयास करता हूँ। सनातनी संघर्षों का यह महासमर भीषण था, बिना प्रभु के प्रभु की सेना का दुष्टों से रण था, शस्त्र बिना भी राम भक्त सब दुष्टों पर खाली थे, सतमानो ये राम भक्त सबके सब अवतारी थे, जैसे पवन पुत्र ने जाकर सारी लंका जाली, वैसे ही भक्तों ने तोड़ी यहाँ बावी सारी, जली गोलियां बिखरी लाते भक्त नहीं घबराए, बढ़े चले वह राम नाम का दृढ़ संकल्प उठाए, बढ़े चले वह राम नाम का दृढ़ संकल्प उठाए और राम नाम की महिमा बताने का प्रयास करता हूँ। बाबा ने मानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, उसी राम नाम की महिमा बताने का प्रयास करता हूँ कि राम नाम जो पवन पुत्र के अतुलित बल का कारण, राम नाम जो पवन पुत्र के अतुलित बल का कारण, राम नाम जो कलयुग के भवसागर का भवतारण, राम नाम जिसको सुनते ही सभी देव उन्नत होते, राम नाम जिसको सुनते ही महादेव खुश होते, राम नाम जिसको जपकर ध्यानी योगी डर जाते, राम नाम जिसको सुनकर सारे पापी डर जाते, राम नाम जिसकी क्षमता का मंत्र न कोई दूजा, हाँ वही राम का नाम अवध में चारों ओर से गूंजा, वही राम का नाम अवध में चारों ओर से गूंजा, टूटा दम्भ दम्भियों का और हुआ तिमिरता मर्दन। एक नई बात कहने का प्रयास करता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग सहमत हैं असहमत हैं, और निवेदन करता हूं कि अगर सहमत हैं तो आप सभी की तालियां आकाश में उठें कि टूटा दम्भ दम्भियों का और हुआ तिमिर का मर्दन, धरी बाबरी हुआ प्रफुल्लित अवधपुरी का आंगन, अवधपुरी के आंगन का सबने कुछ पंख हटाया, सुनो बाबरी नहीं हटाई एक पलंग हटाई, सुनो बाबरी नहीं हटाई एक पलंग हटाया, वो कलंक जो लगा हुआ था हर हिंदू के मन पर, वो कलंक जो लगा हुआ था सनातनी जीवन पर, वो कलंक जो राम भक्ति सदियों से सहते थे, वह कलंक जिसके कारण हम तमों में रहते थे। 4 लाख प्राणों का जब उत्सर्ग कर दिया हमने, एक तो हजार नहीं, एक तो लाख नहीं, 4 लाख प्राण गंवाने पड़े इस धर्म युद्ध में,
पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि 4 लाख प्राणों का जब उत्सर्ग कर दिया हमने, धर्म हेतु परिवारों का अपवर्ग कर दिया हमने, विजय मिले या वीर गति तो हमने मन में ठानी, सांसों के अंतिम क्षण तक भी नहीं पराजय मानी, जगति के पालन करता तो स्वामी थे त्रिभुवन के, 14 वर्षों तक जो घूमे थे वनवासी बन के, न्यायालय में सदियों का संताज झेलकर लौटे, 100 नहीं 500 वर्षों का वनवास झेलते, 100 नहीं 500 वर्षों का वनवास झेलकर लौटे, नीच मुगलिया अरमानियों का खंड मन सब जोड़ हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां रखता हूँ और इस निवेदन के साथ रखता हूँ, हम लोगों ने एक नारा दिया गुरु जी, हमने एक नारा दिया कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, यह हर हिंदू का नारा था उस धर्मयुद्ध में, लोगों ने कहा लोग कहते तो है कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, इतिहास साक्षी है हमने तारीख भी बताई और आज हम भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। पंक्तियां निवेदन करता हूँ और इस निवेदन के साथ करता हूँ कि जब मैं रुकूं तो आपके हाथ हवा में लहराते नजर आए, नीच मुगैया अरमानों का घन घमंड सब तोड़ हुआ, अवधपुरी में रघुवर लौटे प्रण भक्तों का पुल हुआ, सत्य सनातन रूप की सूरज कर अपना विस्तार गया और असत्य फिर अंधकार की भांति सूर से हार गया, सुर नर मुनि देवों ने देखी भक्ति राम के भक्तों की, जलते नराधमों ने देखी सत्य राम के भक्तों की, जजवा फतवा दूर हटा कर जजवा फतवा दूर हटा कर बस भगवा लहराया है, सुने विश्व की रामलला का मंदिर वही बनाया। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि बहुत से धर्म युद्ध लड़ने हैं, बहुत सी काल सेवा बाकी है कि एक छोर जीता है हमने, आओ दूजी छोर चले, एक आह्वान करना चाहता हूं और आप सभी की तालियां हस्ताक्षर के रूप में चाहता हूं कि एक छोर जीता है हमने, आओ दूजी छोर चले, जहां रात अब तक है ठहरी वही उगाने भोर चले, तो रामलला रामलला तो अवधपुरी में शोभित है आनंदित है, कृष्ण लला को मुक्त कराने हम मथुरा की ओर चले।